हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और एक्टर एजाज खान हमेशा ही विवादों में घिरे रहते हैं। हाल ही में उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें वो एक बॉलीवुड डायलॉग बोलकर मुंबई पुलिस का मजाक बनाते नजर आ रहे थे। साथ ही तबरेज अंसारी के लिंचिंग के बाद कुछ टिकटॉक सेलेब्स ने ग्रुप बनाकर वीडियो भी पोस्ट की थी जिसका एजाज खान सपोर्ट करते नजर आए थे। उस वक्त उन्हें लेकर काफी विवाद हुआ था। वहीं अब एक बार फिर एजाज खान को लोगों ने निशाना बनाने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और विधानसभा सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, ऐसे में इसके नतीजे सामने आ चुके हैं जिसमें बीजेपी की सरकार एक बार फिर अपनी वापसी के लिए तैयार है। तो वहीं इन सब के बीच एक शख्स ऐसा भी है जिसने चुनाव जीतने का दम तो बहुत भरा था, लेकिन उन्हें सिर्फ हार ही मिली है। जी हाँ, हम एजाज खान की ही बात कर रहे हैं जो मुंबई के बायकुला सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उनका सीधा मुकाबला MIM के वारिस पठान से था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर अब उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोलर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा है, तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ने भी वोट नहीं दिया। वही एक यूजर का कहना है कि 78 वोट पाए हो, क्यों लड़े थे। इसके बाद एक ने लिखा है कि इन्हें 500 वोट मिले हैं, लगता है बायकुला में सिर्फ 500 टिकटॉक यूजर्स हैं। बताते चले कि एजाज खान को जहां 2174 वोट्स मिले हैं, वहीं नोटा को 2791 वोट्स मिले हैं, यानी कि एजाज खान को नोटा से भी कम वोट्स मिले हैं। यही वजह है कि लोगों ने उनका जमकर मजाक बनाया है। अब देखना यह होगा कि खुद एजाज खान ट्रोलर्स के इन ट्वीट्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं।